नमस्कार, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आम की बात को, आम के पौधे को भुनगा कीट से कैसे बचाएं। इस संदर्भ में बात करें, इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती रहे। दर्शकों, ये आप आम का पेड़ देख रहे हैं जो कि मेरे साइड में है। इस समय इसमें आम के बौर भी जो है दिख रहे हैं। ये बौर आप देखिए, जो है ये बौर आपको दिख रहा है। बौर जो है यहाँ पर देखिए, ये मेरे हाथ के ऊपर है, ये देखिए काला काला हो गया है। जो भुनगा कीट होता है वो करता क्या है कि भुनगा कीट आम का जो बौर होता है इसके रस को चूस लेता है। जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उनके भी रस को चूस लेता है। जब पत्ती या बौर के रस को चूस लेता है तो ये क्या होता है, ये सूख के गिर जाता है। इसके अतिरिक्त इससे एक और नुकसान होता है, ये जो कीड़ा है ये एक तरह का पदार्थ छोड़ता है। ये पदार्थ आप देखिए, ये जो इसकी पत्ती है, आम की पत्ती, ये पीछे की पत्ती देखिए, ये काली काली हो गई है, एक तरह का पदार्थ छोड़ता है। तो ये पत्ती काले रंग की होती है और वो जो पदार्थ होता है उसकी एक सतह बन जाती है आम के पत्ती पर। ये जो सतह बन जाती है जिसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाने की वजह से जो पौधा है वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से जो है धीरे धीरे पौधा सूखना शुरू कर देता है। तो ये भुनगा कीट जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। एक तरीका इसका और है, अगर आपको भुनगा कीट से बचाना है तो ये जैसे ही इसका जो तना है, इसको आप देख रहे हैं, इस पर जो है नीचे करीब 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन की पन्नी अगर आप लगा देंगे तो कोई भी कीड़ा नीचे से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। एक चीज़ और है, अगर आप पन्नी नहीं लगाते हैं, इस पर ग्रीस लगा देते हैं थोड़ा सा मोटाई में, तब भी कोई कीड़ा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस तरह से जो है आपकी सुरक्षा हो जाएगी। इसके अलावा रासायनिक विधि से भी जो है आप भुनगा कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे ही आपको लगे कि भुनगा कीट कहीं दिखाई पड़ रहा है तो तुरंत आप मोनोक्रोटोफास नाम की एक दवा आती है, इसका 0.4% ले लें और इसका पानी में घोल बना के, आवश्यक पानी में घोल बना के इसका अगर आप छिड़काव करेंगे तो भुनगा कीट से जो है नियंत्रण हो जाएगा और जो आम का पौधा है वो जो है भुनगा कीट से सुरक्षित हो जाएगा।